संसद के शीतकालीन सत्र के पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में खेला करने की तैयारी में जुट गई हैं। चार दिन के दौरे का उनका आज दूसरा दिन है और आज वो सोनिया गांधी से मिलने वाली है। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर बात होगी। पिछली बार जुलाई में जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो उन्होंने पेगासस मुद्दे पर आयोग बनाकर मोदी सरकार को घेरा था। अब एक बार ममता बनर्जी के निशाने पर मोदी सरकार है। दिल्ली में ममता बनर्जी कल पीएम मोदी से मुलाकात कर सकती हैं और ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का विरोध कर सकती हैं। इसके अलावा पीएम सीएम मुलाकात में त्रिपुरा मुद्दे पर भी बात हो सकती है। तो ममता बनर्जी चार दिन के दौरे पर दिल्ली आई हुई है और दिल्ली दौरे के दौरान वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी और साथ ही साथ जो फंड केंद्र से मिलने हैं उसको लेकर बात करेंगी प्रधानमंत्री से मुलाकात होने के दौरान, और साथ ही साथ बीएसएफ ने जो अपना अधिकार क्षेत्र है उसका जो वर्किंग ऑपरेशन एरिया जो बड़ा है 15 से 50 किलोमीटर हुआ है उसका भी वो विरोध करने के लिए यहां पर पहुंची है। इससे पहले कल सुबह ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और उनके पहुंचते ही त्रिपुरा के लोकल बॉडी का इलेक्शन और मुद्दा गूंजता रहा। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार उनके नेताओं के साथ बदसलूकी कर रही है, बेवजह पुलिस केस में फंसा रही है, उनकी रैलियों को रोका जा रहा है। असल में दो दिन पहले त्रिपुरा की पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग की लीडर शाइनी घोष को अरेस्ट किया था। शाइनी घोष ने पब्लिक मीटिंग में बिप्लव देव को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, लेकिन पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में शाइनी घोष को गिरफ्तार किया। हालांकि कल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। So we are doing the meeting today, I think the last campaigning, and that's why they are doing all these atrocities. If the government doesn't allow to hold the meeting, even the political party, then what will be the fate of the election, I do not know, but people will give the reply. They have to get the reply. They have to hear the voice of the people. That music is coming. And that is the democratic music. The National Human Rights Commission, or the other Human Rights Commission, or the Human Rights, or the Home Ministry, or the 355, how many notices has been sent by the government of India to Tripura? They don't care the people, they don't care the constitution. Their only obligation to cheat the people. They will be defeated ultimately. I will meet the Prime Minister, I have a BSF issue, that's a big issue. They want to capture the power, they want to bulldoze the federal structure. Tripura will raise it. Tripura cannot be concentrated only within Tripura. Tripura issue will be raised in Delhi, Mumbai, everywhere. India TV, har waqt, har jagah. Download karne ke liye search karein India TV News, Google Play Store ya App Store par.